बड़वानी जिले की सिंफो में कंपनी का एजेंट बनकर 2 करोड़ का लोन दिलाने का लालच देकर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली आंध्र प्रदेश की आरोपी को मलंग शाह सिंधवा शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़वानी जिले की सिंधवा शहर पुलिस ने आंध्र प्रदेश के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिंधवा निवासी फरियादी मुजफ्फर अली पिता जाफर अली उम्र 48 साल निवासी सिंधवा की रिपोर्ट किया है कि आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। फरियादी ने बताया कि दिनांक 27/11/2019 मोहम्मद आरिफ पटेल एवं एन मलंग शाह मेरी दुकान पर आए और शासकीय मान्यता प्राप्त रॉयल नर्सरी कंपनी का एजेंट बताकर स्वर्गीय पिता जाफर अली को गार्डनिंग के लिए पौधे देना बताया है एवं व्यवसायी परिचित होना बताया है। वह मुझे श्री तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट व तिरुपति आंध्र प्रदेश में सदस्य बनाकर कम ब्याज पर 2 करोड़ रुपए लोन दिलाने का लालच दिलाकर दोनों ने अलग अलग दिनांक में कुल 11,75,000 रुपए बैंक खाते व RTGS के माध्यम से धोखाधड़ी कर प्राप्त किए तथा अभी तक कोई लोन दिलवाया और ना ही पैसे वापस किए हैं व प्राप्त रुपए खर्च करना बताया है। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सर, धोखाधड़ी के एक आरोपी को पकड़ा है, क्या मामला है सर? ये सिंधवा निवासी मुजफ्फर अली, इन्होंने थाना आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27/11/2019 को एन मलंग शाह निवासी डिस्ट्रिक्ट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश उसके साथ मारी पटेल ये दोनों इनकी दुकान पे आए थे और उन्होंने बताया था कि हम नर्सरी के माध्यम से पौधे उपलब्ध कराते हैं और पौधे गार्डनिंग के लिए देते हैं और बाद में इस पौधे देकर जो है उस पर भी लोन दिए दिलाते हैं और उसी के तारतम्य में फिर बाद में इन्होंने एक तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है आंध्र प्रदेश का उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से वहाँ से लोन दिलाने के लिए करीब इनसे 12 लाख रुपये लिए थे। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद भी जब इनको लोन नहीं मिला तो इन्होंने समझ में आया कि मामला पूरा धोखाधड़ी का है। फिर इन्होंने थाना आके अभी इसी वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें धोखाधड़ी का केस हमने दर्ज किया था क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर था। जो SP श्री पुनीत गहलोत सर ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था और एक टीम गठित की थी, टीम के द्वारा लगातार पत्तराशी की गई। इसमें SI शेख अजीत शेख और उनके साथ में एक टीम भोपाल भेजी गई थी और वहाँ से लगातार पत्तराशी की गई। आंध्र प्रदेश भी तलाश किया गया। फिर लगातार मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी हैदराबाद से भोपाल में है, जो टीम के द्वारा वहाँ दबिश दी गई और वहाँ से इसको आरोपी जो मुख्य आरोपी एन मलंग शाह इसको हमने पकड़ कर लगातार इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म करना स्वीकार किया और बाद में ये भी बात सामने आई है कि खेतिया में भी इसने 6 लाख रुपये का इसी प्रकार से धोखाधड़ी की है और अन्य जगह भी धोखाधड़ी की है। अभी इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है जहाँ से एक दिन का इसका अभी पुलिस रिमांड मिला है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और टेक्निकली इसका जो भी सारे अकाउंट्स डिटेल है उसकी डिटेल ली जा रही है। पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर ये देखा जा रहा है कि इसके कौन कौन से और भी अकाउंट है, सारी डिटेल जांच की जाएगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसमें अभी अनुसंधान जारी है।